नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय शिड़कन में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। कल दिनांक 13 जनवरी को सहायक प्राध्यापक 2019 के अभ्यर्थियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। जी हाँ, आइए देखते हैं किन बातों को उन्होंने जाकर वहाँ रखा। राजभवन में असहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए वह खुशी था जब वे अपनी मांगों को लेकर राजभवन गए और ज्ञापन देकर वापस लौट रहे थे। दरअसल बिना प्रक्रियाओं का पालन किए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। जब सुरक्षा अधिकारियों ने राज्यपाल को युवा अभ्यर्थियों के आने की सूचना दी तो राज्यपाल ने प्रतिमंडल की भावनाओं को समझते हुए बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने मुलाकात की अनुमति दी। उन्होंने अंदर बुलाया गया और राज्यपाल ने उनकी समस्याओं को सुना और शासन स्तर पर समाधान करने का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश भी दिया गया है। इसमें शिक्षकों के साथ गैर शिक्षकीय पद भी शामिल हैं, अतः इस संबंध में जल्द से जल्द प्रक्रियाओं को पूर्ण करने को कहा गया है। आपके समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें राजभवन आने से पहले यह अपेक्षा नहीं थी कि इतनी आसानी से और बड़े ही सहज ढंग से राज्यपाल के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और हम आए थे तब हमारा मन बोझी और दुखी था, परंतु अब शांत मन और प्रसन्न होकर वापस आ रहे हैं। इसके लिए हम राज्यपाल महोदया को धन्यवाद देते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 4-6 मई 2020 को आयोजित किया जाना था, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 5-8 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भर्ती परीक्षा स्थगित रही। उन्होंने कहा कि इस बीच न्यायालयीन प्रक्रिया तथा सेट 2 और साथ ही नेट 2019 व सेट 2019 के परिणाम आ जाने व स्थानीय लोगों के मांग पर उन्हें भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिफिकेशन दिनांक 13-6-2018 में 1-7-2021 से सहायक प्राध्यापक हेतु PhD अनिवार्य अर्हता होने का उल्लेख है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के दिनांक 5-9-2020 के सूचना पत्र में इनका उल्लेख करते हुए सेट 2019 उत्तीर्ण होने वाले को पुनः आवेदन का अवसर प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालयों में PhD हेतु सीमित सीटें हैं तथा निजी विश्वविद्यालयों से PhD करना काफ़ी खर्चीला भी है, जिससे छत्तीसगढ़ के कमजोर तबके से आने वाले होनहार विद्यार्थियों को तुरंत PhD करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अभी तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा केवल 2 बार ही आयोजित की जा सकी है तथा तीसरी सहायक प्राध्यापक भर्ती हेतु आवेदन विज्ञापित समय अवधि पश्चात भी विभिन्न कारणों से जो है दिए जाने से आवेदन व परीक्षा तिथि के बीच ही लगभग 2 वर्ष हो चुका है, जबकि भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है। जी हाँ, भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। प्रतिनिधिमंडल ने सहायक प्राध्यापक के संभावित रिक्त पदों को सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के विज्ञापन में ही समायोजित कर परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया है। इस अवसर पर श्री किशोर यादव, डॉक्टर विजय कुमार, श्री केशव यादव, श्री बोधिनाव रात्रि, श्री निमेश कुठियार और श्री हेमलाल
और श्री अविनाश कुंजाम, श्री कौशल वैष्णव एवं अन्य अभ्यर्थी जो हैं शामिल थे। ठीक है, और उससे रिलेटेड यदि आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।